तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीए टाइम टेबल के बारे में। जिन स्टूडेंट ने अभी भी स्कीम नहीं डाउनलोड की है, जिनको भी नहीं मालूम है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। फिलहाल उसमें मैंने बीए बीएससी बीकॉम को इन्फॉर्म किया था कि हाँ स्कीम आ गई, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ बीए के स्टूडेंट के बारे में कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वालों का उनका एग्ज़ाम कब कब है। सेकेंड वीडियो आएगी तो बीएससी और बीकॉम से रिलेटेड होगी, ठीक है। फिलहाल बीएससी बीकॉम इसी स्कीम में है, लेकिन आज मेन जो फोकस होगा वो बीए के एग्ज़ाम पे होगा, ठीक है, कि क्या टाइम टेबल है, किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये अवध यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आरएमएलयू। तो बीए वाले देख सकते हैं बीए भाग 1, 2, 3, ठीक है, तो वो देख सकते हैं उनका, जिन स्टूडेंट का संस्कृत का है उनका जो एग्ज़ाम है 15/2/2020 से है, ठीक है। ये भाग 3 वालों का है, यानी कि थर्ड ईयर वालों का है, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं बीए फर्स्ट ईयर के, उनका भी संस्कृत प्रथम ही है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट संस्कृत का उनका सब्जेक्ट है वो अपना देख लेंगे, ठीक है। और टाइम लोग आप लोगों का जो है वो जो थर्ड ईयर वालों का है वो 7 बजे मॉर्निंग में 10 बजे तक है, और जो बीए फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका 11:30 से 1:30 बजे तक है एग्ज़ाम, और जो बीए सेकेंड ईयर वाले हैं उनका 3 से 6 बजे तक एग्ज़ाम होगा। कोई भी एग्ज़ाम हो वो सारे इसी टाइम शेड्यूल में होंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है संस्कृत का, बी सेकेंड ईयर थर्ड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर, और बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो संस्कृत फर्स्ट और सेकेंड होता है, और जो थर्ड ईयर होता है बीए उसमें 3 हो जाते हैं, संस्कृत फर्स्ट, संस्कृत सेकेंड और संस्कृत थर्ड। तो हम आते हैं अंग्रेजी, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश उनका सब्जेक्ट होगा, तो जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो ध्यान दीजिएगा 19/2 यानी कि 19 फरवरी 2020 को उन लोगों का अंग्रेजी प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी कि अंग्रेजी का फर्स्ट पेपर है। तो अंग्रेजी वाले देख लीजिएगा, इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। जो थर्ड ईयर वाले हैं उनका प्रथम पेपर है वाले हैं, ठीक है, उन लोगों का द्वितीय है, ठीक है, और जिन लोग फर्स्ट ईयर में उनका भी द्वितीय है, लेकिन 18 तारीख को इंग्लिश फर्स्ट है, किन लोगों का, भाग 1 वालों का, और बीए भाग 2 वालों का प्रथम है, किस तारीख को, 18 तारीख को, 19 को सेकेंड है, ठीक है। तो इंग्लिश वाला कंफर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, यानी कि शिक्षा पात्र देखते हैं। तो जिन स्टूडेंट का शिक्षा पात्र लिए हैं उनका 20 तारीख को, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों को हम देख रहे हैं, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों को। तो जो फर्स्ट ईयर वालों को शिक्षा पात्र है 20 फरवरी 2020 को, और जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनका भी उसी डेट को है, ठीक है। टाइम टेबल आप देख ही सकते हैं कि टाइम टेबल है उनका 11 बजे से फर्स्ट ईयर वालों का, और जो सेकेंड ईयर वालों का है उनका 3 बजे से है, ठीक है। अब शिक्षा पात्र हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर जो भी ये सारी डिटेल दी गई हैं, अभी मैं लास्ट में बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब अर्थशास्त्र आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अर्थशास्त्र प्रथम प्रथम यानी कि 26 फरवरी 2020 को अर्थशास्त्र प्रथम, और बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों दोनों का अर्थशास्त्र प्रथम पेपर है। 27 तारीख को द्वितीय पेपर है, ठीक है। अब हम फाइनली आ जाते हैं हिंदी के पेपर पे, ठीक है। हिंदी ये है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ये है सेकेंड ईयर वालों के लिए। थर्ड ईयर वाला अपना, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट वो अपना इधर देख लें, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट ज़्यादा है हमारे इस चैनल पे वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं, तो उनको मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यानी कि 2 मार्च 2020 को हिंदी का प्रथम पेपर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में। और जो 3-3 है यानी कि 3 मार्च 2020 को हिंदी सेकेंड पेपर है, ठीक है। अब देख लीजिए हिंदी का हो गया, उसके बाद गृह विज्ञान वाले स्टूडेंट अपना देख लें, और जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस है यानी कि पॉलिटिकल साइंस है यानी कि राजनीतिक शास्त्र वो देख लें, ठीक है। 6 मार्च 2020 को राजनीतिक शास्त्र का प्रथम पेपर है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में। 27 को सेकेंड पेपर है, राजनीतिक शास्त्र का सेकेंड पेपर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों में, ठीक है। अब समाजशास्त्र पे आते हैं, 12/3 यानी कि 12 मार्च 2020 को समाजशास्त्र है, ठीक है। बीच में 7 के बाद आप लोगों को शायद वो होली पड़ जाएगी, ठीक है, 9-10 में, इसलिए बीच में गैपिंग हो गई 11 तक, उसके बाद होली के बाद 12 को आप लोगों का समाजशास्त्र का पेपर है, ठीक है। ये है थर्ड ईयर वालों के लिए, और ये है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ये है सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वाले देखें, समाजशास्त्र उनका 12 मार्च का, ठीक है। और द्वितीय पेपर है 13 आप लोगों का 13 मार्च का, सेकेंड समाजशास्त्र, ठीक है। तो आई होप जो स्टूडेंट समाजशास्त्र और इंग्लिश और हिंदी लिए होंगे 3 सब्जेक्ट, उन लोगों के तो एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे 13 यानी कि 13 मार्च 2020 को उनके
एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे, जिन लोगों ने हिंदी, इंग्लिश और समाजशास्त्र लिया है या राजनीतिक शास्त्र लिया है उनके तो 13 तक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जिन स्टूडेंट का गृह विज्ञान है वो गृह विज्ञान देख लीजिए अपना। ठीक है, और ये जो राजनीतिक शास्त्र प्रथम है ये उन स्टूडेंट के लिए जो थर्ड ईयर में है, मैंने भी बताया था कि थर्ड ईयर वालों के लिए, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, तो थर्ड ईयर वाले भी देख लिए अपना। तो इसी तरह के जिनका भी जो भी सब्जेक्ट है थर्ड ईयर वाले यहाँ पे देख लिए समाजशास्त्र, उनका देखो 28/3 को आ रहा है एग्ज़ाम, यानी कि 28 मार्च 2020 को समाजशास्त्र का पेपर होगा थर्ड ईयर वालों का, जबकि अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का 13 तारीख को ही हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह सारे स्कीम देख लीजिएगा, बीए इसी तरह और भी सब्जेक्ट हैं जो भी जिनका सब्जेक्ट तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी के, तो बीएससी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी, यही सब आप लोगों को समझाना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक पूछ सकते हैं। और ये जो पूरी पीडीएफ है मैं आप लोगों को बता दूँ, सिंपली आप कहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का अपने लिंक दे दूँगा। ठीक है, चैनल का लिंक दे दूँगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अगर जो स्टूडेंट सिंपली डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में RMLU लिखा होगा, स्कीम डाउनलोड, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, हम उसका रिप्लाई देते हैं। और ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैंने एक नया चैनल ओपन किया है, ठीक है, जिसका नाम है हिंदी न्यूज़, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस चैनल पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो उस चैनल पे जाके आप व्हाट्सअप नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं या फिर हमारे जौनपुर स्टूडेंट हैं जौनपुर यूनिवर्सिटी के, जौनपुर की तो आ चुकी स्कीम, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई, नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए, और कानपुर वाले के लिए भी जल्दी वीडियो आ रही है, मैं बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलती है आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।